हेलो फ्रेंड, तो कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे। आप देख रहे हैं टेक्निकल फिक चैनल और आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हम किस तरह से एंड्रॉयड मोबाइल में बिटकॉइन वॉलेट को इंस्टॉल करने के बाद उसका एक मुकम्मल सेटअप बना सकते हैं। ये बिटकॉइन का ऑफिशियल वॉलेट है जो आज हम अपने एंड्रॉयड मोबाइल में इंस्टॉल करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपने कोई भी एक वेब ब्राउजर ओपन करना है और वहाँ पर आपने कॉइन मार्केट कैप सर्च करने के बाद इसकी वेबसाइट को ओपन कर लेना है। जैसे भी यहाँ से वेबसाइट को ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको बिटकॉइन का जो होगा वो आपको सबसे ऊपर नंबर वन रैंक पर नजर आ जाएगा। आपने इसे ओपन करना है। जैसे भी यहाँ से बिटकॉइन को ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको नीचे लिंक्स में जाना है। जैसे कि मैं यहाँ से लिंक्स को ओपन करता हूँ तो यहाँ पर आपको बिटकॉइन की जो वेबसाइट आएगी bitcoin.org वो आपको सबसे ओपन नजर आएगी। आपने इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपके सामने यहाँ पर चूज योर वॉलेट का एक बटन दिया गया है। आपने यहाँ से चूज योर वॉलेट पर क्लिक करना है। इसके बाद आपने थोड़ा सा नीचे जाने के बाद आपने यहाँ से नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आपको एंड्रॉयड और iOS नजर आ जाएगा। आपने यहाँ से एंड्रॉयड को सेलेक्ट कर लेना है अगर आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल है। इसके बाद आपने नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आपने न्यू बटन पर प्रेस करना है क्योंकि आज हम एक नया वर्ड क्रिएट कर रहे हैं। इसके बाद आपने यहाँ से नेक्स्ट करना है। यहाँ से जो भी आपको नज़र आ रहे हैं ऑप्शन वगैरह, ये ऑप्शनल है। अगर आप यहाँ से इनको सेलेक्ट करना चाहते हैं तो इनको रीड करके यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपने यहाँ पर दो मरतबा नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ ऑप्शन आ जाएंगे बिटकॉइन वॉलेट के। सबसे ऊपर आपको बिटकॉइन वॉलेट का ऑप्शन दिया गया है। आप यहाँ से बिटकॉइन वॉलेट को ओपन कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ से बिटकॉइन वॉलेट पर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे गूगल प्ले स्टोर पर रीडायरेक्ट कर देगा। सॉरी, अभी नहीं, यहाँ से आपने इंस्टॉल बटन क्लिक करना है। इंस्टॉल बटन क्लिक करने के बाद ये आपको गूगल प्ले स्टोर पर रीडायरेक्ट कर देगा। इसके बाद यहाँ से आपने इंस्टॉल बटन पर क्लिक करके इसे इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपने इसे यहाँ से ओपन कर लेना है। जैसे यहाँ से इसे ओपन करेंगे तो यहाँ से अगर ओपन नहीं हो रहा तो यहाँ पर मैं अपने मोबाइल में जाकर आपको चेक करवाता हूँ। यहाँ से आप इसे ओपन करें। ओपन करने के बाद आपके सामने जो बिटकॉइन का वॉलेट होगा वो कुछ इस तरह से आएगा। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले वॉलेट का बैकअप सेव करना है। तो जो सबसे ज़रूरी है, आपने यहाँ 3 डॉट पर क्लिक करना है। इसके बाद आपने यहाँ से सबसे ऊपर सेफ्टी में जाना है। सेफ्टी में जाने के बाद आपको यहाँ पर बिटकॉइन का जो वॉलेट होगा, बैकअप होगा, वो सेव करना है। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है बैकअप वॉलेट। यहाँ से आपने बैकअप वॉलेट में जाना है। जैसे हम यहाँ से बैकअप वॉलेट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर पासवर्ड देना है, उसके बाद बैकअप पर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ से आपने उसे सेव कर लेना है अपने मोबाइल में। आपने लोकेशन सेलेक्ट करनी है और इसे सेव कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ से अपने मोबाइल से सेव कर लेता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि योर वॉलेट हैज़ बिन बैकअप टू इंटरनल स्टोरेज। तो ये आपके इंटरनल स्टोरेज में, आपके मोबाइल में ये डाउन हो चुका है। यहाँ से मैं आपको फाइल्स में जाकर चेक भी करवा देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ से फ़ोन की स्टोरेज में जाता हूँ, इसके बाद मैं यहाँ से डाउनलोड फोल्डर में जाऊँगा और यहाँ पर आप देखेंगे कि तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन वॉलेट का जो बैकअप है वो यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है। आपने सबसे पहले बिटकॉइन का जो वॉलेट का जो बैकअप है उसे अपने मोबाइल में डाउनलोड करना है। इसके बाद हम दोबारा वॉलेट में जाते हैं, उसकी मजीद की सेटिंग वगैरह देख लेते हैं। आपने जैसे वॉलेट क्लिक करना है, दोबारा आपने 3 डॉट पर जाना है। यहाँ पर आपने बैकअप जो है वो महफूज कर लिया है। इसके बाद आप दोबारा यहाँ पर इसको पिन रख सकते हैं, 1, 2, 3, 4 जो कोई भी एक सीक्रेट पिन आप रख सकते हैं बिटकॉइन को वॉलेट को ओपन करने के लिए। पिन रखने के बाद आप दोबारा यहाँ पर 3 डॉट्स में जाएंगे। तो इसके बाद यहाँ पर सेटिंग में जाएं, इसके बाद यहाँ पर इसकी सेटिंग जो होगी वो आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पर जो जो सेटिंग है, ये वॉलेट की सेटिंग है, आप इसे अपनी मर्जी के मुताबिक यहाँ पर इसको सेट कर सकते हैं। जो भी सेटिंग होगी आपने उसे देख लेना है और इसे अपने मर्जी के मुताबिक इसको सेट कर लेना है। डायग्नोस्टिक में जाकर यहाँ पर आप शो एक्सटेंडेड पब्लिक की है, इसे भी यहाँ से आप डाउन कर सकते हैं, यहाँ से आप शेयर कर सकते हैं। तो इसके बाद दोबारा हम वॉलेट के होम पेज पर जाएंगे। इसके बाद यहाँ से अगर आप बिटकॉइन रिसीव करना चाहते हैं तो नीचे से आप इसे रिसीव बटन पर क्लिक करके रिक्वेस्ट दे सकते हैं। यहाँ से QR कोड आपको नजर आ जाएगा। तो अगर आप यहाँ से सेंड करना चाहते हैं तो यहाँ सेंड कॉइन का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर टाइप एड्रेस और नेम है, उसके बाद अमाउंट वगैरह डालकर आप इसे सेंड भी कर सकते हैं। यहाँ से आप ऑल पेमेंट्स, रिसीव पेमेंट और कुछ पेमेंट आप शो करना चाहते हैं तो यहाँ पर उनको भी शो कर सकते हैं। यहाँ पर एक टैग है, यहाँ पर एड्रेस वगैरह, सेंडिंग एड्रेस वगैरह आपको एक दिए गए हैं, दिस इज़ योर करंट एड्रेस फॉर रिसीविंग। तो इसके बाद आप अगर यहाँ से यहाँ से करेंसी रेट को चेक करना चाहते हैं, डॉलर की जगह किसी और करेंसी को यहाँ पर सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से अपनी मर्जी से कोई भी करेंसी सिलेक्ट कर सकते हैं जिसको भी आप वॉलेट के होम पेज पर शो करना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं USD जो है वो यहाँ पर ऑलरेडी पहले से सिलेक्ट है, तो आप इसको भी चेंज कर सकते हैं।
यहाँ क्यू आर कोड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एड्रेस नजर आ जाएगा जो यहाँ पर चेंज होता रहेगा इसका क्यू आर कोड, तो आप यहाँ से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और यहाँ से डायरेक्ट से स्कैन भी कर सकते हैं। तो आप इस तरह से बिटकॉइन के ऑफिशियल वॉलेट को अपने एंड्रॉयड मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हैं और उसका एक मुकम्मल बैकअप रख सकते हैं। आपने सबसे पहले अपने वॉलेट का बैकअप रखना है, क्योंकि अगर आपका वॉलेट किसी वजह से अनइंस्टॉल हो जाता है या कोई भी मसला बन जाता है तो आप बैकअप के जरिए अपने वॉलेट को रिकवर कर सकेंगे और उसमें जितना भी फंड होगा इस बैकअप के जरिए ही उसे आप रिकवर कर सकेंगे। तो बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।